या अय्युहल लजीन आमनु तक्कुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तक्कुल्लाह। दो तकवा के बीच में, दो इत्तकुल्लाह के बीच में अल्लाह ने फरमाया कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर हर बंदा, हर हर नफ्स से मुराद शख्स, हर हर शख्स मर्द हो या औरत, इस पर गहरी नजर रखे कि मा कद्दमत लिगद, वो कल के लिए यानी कयामत में काम आने के लिए आगे क्या भेज रहे, आगे क्या भेज रहे, इस पर कड़ी नजर हो, मर्दों की भी हो औरतों की भी हो। और आगे भेजने में कामयाब वही हो सकते हैं जो अल्लाह के तकवा के साथ, खौफ खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हों। इसलिए पहले भी इत्तकुल्लाह कहा, बाद में भी इत्तकुल्लाह कहा कि तकवल्लाह के बगैर तुम आखिरत की कामयाबी का सामान भेजने में नाकाम हो जाओगे। हाँ, तकवल्लाह के जरिए आगे इतना भेजोगे और ऐसा भेजोगे कि उससे मगफिरत हो जाएगी, उससे काम बन जाएगा तुम्हारा। तो अब ये जायजा रखने के बजाय कि मैं अपनी आखिरत के लिए आज क्या कमाई और कल के मुकाबले में कितना इजाफा किया, हिसाब किताब तो ये रखना चाहिए था। ये हिसाब किताब रखने के बजाय वो क्या कमा रही है, उसका क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसका शोहर क्या बोल रहा है, उनके घर में क्या इत्तेफाक है, इख्तलाफ है, और अगर इत्तेफाक है तो एक आंख भर के भी नहीं देखा जा सकता, क्या किया जाए कि इख्तलाफ हो जाए। कोई मियाँ बीवी अच्छे रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, वो खबरों से भी खुशी नहीं है, क्या किया जाए कि वो लोग खुश ना रहें। और आप, हम हमारे शोहर बहुत अच्छे रहने, बहुत आराम से, बहुत मज़े से रहना, हम तो रहें मज़े से, लेकिन अब दुनिया में हमारे अलावा कोई ना रहे मज़े से, कोई जोड़ा खुश ना रहे, बस हम ही खुश रहें बस दुनिया। तौबा तौबा, एक मोमिन की ज़िंदगी ऐसी होती है। ज़रा अज़वाज मुतहरात के हालात पढ़ो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियों का तो ज़्यादा ज़माना एक साथ नहीं गुज़रा, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटियों में सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी के ज़्यादा तफसीली अहवाल हमारे सामने नहीं है, तो उनके पढ़ो और अज़वाज मुतहरात के पढ़ो। हालांकि वो सौतनें थीं और फितरी तौर पर सौतनों को आपस में कुछ ना कुछ परखाश रहती ही है, कितने भी नेक रहें कुछ ना कुछ तो रहता है। नफ्सियाती तौर पर अज़वाज मुतहरात में भी वो अपनी नेचर तो था ही, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दीन को अपने ऊपर गालिब करके कैसी प्यारी ज़िंदगी गुजारी, और एक दूसरे का कितना एहतराम किया, और एक दूसरे को साथ किस कदर गायबाना तौर पर भी कभी किसी की बुराई नहीं सुनती थी अज़वाज मुतहरात। और हमारा हाल ये है कि हम अपनी सगी बहनों को खुश नहीं देखना चाहते, अपने अपने भाई को खुशहाल नहीं देखना चाहते। अरे भाभी गैर होगी लेकिन भाई तो तुम्हारा ही है, पर उसकी बीवी है तो वो तो उसके साथ खुश रहना चाहता है। और अगर तुम ये सब मामले करते रहोगे, फितने, एक बोल बोला और उनकी खुशियों पर आग लगा दी, एक जुमला जुबान से निकला अब अच्छे खासे लोगों को लड़ा दिया। मिलने आई थी अपनी अम्मा से लेकिन बहू को नजर से गिरा के चली गई, और पता नहीं अगर तुम्हारी भी एक सास है वहां भी कोई तुमको गिराने वाली मौजूद है, सोचना चाहिए। बस आखिरत को भूल जाने का यह सब अंजाम है, नहीं समझ रहे हैं कि एक दिन मरना है और हिसाब देना। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। वो मौत हमारे लिए नहीं है, वो मौत हमारे लिए भी है, लेकिन हम उससे, उस मौत से डर नहीं रहे। कभी भी आ जाएगा फरिश्ता सामने खड़े होगा, दो हाथ जोड़ेंगे, मन्नत करेंगे, खुशामत करेंगे, सेकंड भर को भी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। कब करेंगे आखिरत की तैयारी, कब अच्छे इंसान बनेंगे। याद रखो कितनी नमाजें पढ़ते होंगे आप,
आप कितने रोज़े रखते होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, तमाम नवाफिल पढ़ते होंगे, खूब कुरान पढ़ते होंगे, खूब इबादत करते होंगे, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान, आपकी ज़ुबान दो दिलों को काटती है और आपकी ज़ुबान मिले हुओं को बिछड़ाती है और आपकी ज़ुबान अच्छे खासे घरों में फितना मचाती है, तो आपकी इन इबादतों से आप नजात नहीं पा सकते। नजात पाना हो तो अखलाक को दुरुस्त करो, नजात पाना हो तो एक दूसरे का एहतराम सीखो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो। हमेशा ये ख्याल करो कि मुझसे ज्यादा मेरी बहन खुश रहे, चाहे वो बहन सगी हो, चाहे वो बहन ससुराली हो, मुझसे ज्यादा ये लोग खुश रहें, इसकी आरजू करो, इसकी तमन्ना करो और इसकी कोशिश करो। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब लिअखीहि मा युहिब लिनफ्सिहि, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो दूसरे के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते। क्या मतलब? आपको गाली दे आप पसंद करते हैं दूसरा? नहीं, तो आप भी दूसरे को नहीं देंगे। आपके शोहर के दरमियान में कोई दरार डाले पसंद करते हैं? नहीं, तो आप भी दूसरों की इज़्दवाजी जिंदगी में दखल मत दीजिए। हाँ, कोई बिछड़े हुए हों तो जोड़ने का काम कर दो, मगर जुड़े हुओं को बिछड़ाने का काम मत करो। आग मत लगाओ जिंदगियों के अंदर। खुश रहना सीखो, खुश रखना सीखो। जब कोई आदमी दूसरे को खुश रखता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बघेर देते हैं, खुशियों का रस घोल देते हैं, और जब वो दूसरे को तकलीफ़ दे के खुश होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों से खुशियों को छीन लेते हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया में उनको जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। मौत भी आती है तो ऐसे लोगों की तड़प तड़प कर आती है, सुकून से अल्लाह मरने भी नहीं देते जो दूसरे को सुकून से जीने नहीं देते।